ऐसा देखा जाता है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो फार्मूला पढ़ तो लेते हैं, लेकिन फार्मूला पढ़ने के बावजूद भी क्या करते हैं कि क्वेश्चन का जवाब गलत देते हैं, या तो फिर उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम प्रॉब्लम को बनाना कहाँ से शुरू करेंगे कि वो सही हो जाएगा, और कहाँ से बनाना शुरू करेंगे गलत हो जाएगा। अब जैसे कि बात आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की करेंगे, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर सिंपल सेंटेंस अगर दिया जाता है तो हमारे विद्यार्थी क्या करते, प्रॉब्लम को सही बनाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ कभी कभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी आता है, और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि जब फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस दोनों ही टेंस अगर एक ही क्वेश्चन में एक जगह ऐड हो करके जुड़ करके आए तो हम कहाँ से बनाना शुरू करेंगे कि वो सही हो जाएगा, और कहाँ से बनाना शुरू करेंगे कि गलत हो जाएगा। तो आज तक इसी की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेटा हम एक काम करते हैं कि पहले आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले बता दिया जाए, फिर हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ले चलेंगे। अगर प्रॉब्लम अगर होगी तो आप लोग सामने से सवाल करेंगे, हम हमेशा हम आपके साथ हैं बेटा। इसी तरह शांति बना करके आप लोग रखेंगे, क्वेश्चन पर गौर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है भाई। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान ही होता है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। अगर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, अगर ये सारे पहचान अगर वर्ब के अंत में अगर मिलता है तो आप वैसे क्वेश्चन को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आधार पर बनाने की कोशिश करें, नहीं मिले तो नहीं करेंगे। हाँ, दूसरी नंबर सबसे पहले हम आपको एक बात बोला था कि सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं पत्र लिख चुकूँगा, इसको पहले बेटा सबसे पहले हम डिवाइडेशन करते हैं। एक नंबर में मैं और दो नंबर में लिख चुकूँगा, क्या लिख चुकूँगा बेटा, पत्र। अब यहाँ पर करना ये है, फिर से समझ लेते, एक नंबर में मैं दो नंबर में लिख चुकूँगा, क्या लिख चुकूँगा, पत्र। अब यहाँ पर एक विद्यार्थी जी का सवाल ये आ रहा है कि सर जैसे कि आप यहाँ पर वन किए, टू किए, ये थ्री किए, सर हम लोग कैसे समझेंगे कि वन में वही बनेगा, टू में वही बनेगा, थ्री में वही बनेगा। बेटा बहुत अच्छा सवाल है आपका, तो हम आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। जब भी अगर एक नंबर अगर जानना हो तो आप लोग क्या काम करेंगे, कौन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह वहाँ जा चुकेगा, कौन वहाँ जा चुकेगा, तो वह वहाँ जा चुकेगा। वह पत्र लिखकर खुश है, पत्र लिखकर खुश कौन है, तो वह पत्र लिखकर खुश है। उसी तरह आप यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करें, पत्र कौन लिख चुकेगा, तो मैं पत्र लिख चुकूँगा। तो जब भी एक नंबर अगर जानना हो, यानी एक नंबर कहने का सेंस ये है यानी सब्जेक्ट को पकड़ना। तो किसी भी प्रॉब्लम को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर करना क्या है कि एक नंबर में आप यहाँ पर मैं कहेंगे, रेजी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे कि आई के साथ करना क्या है कि शैल हैव लगाना है, तो आई के साथ हम शैल, शैल के बाद हम हैव डाल दिए, और ये क्या करना वी थ्री, तो राइट की वी थ्री बेटा रिटर्न लिखेंगे। और रही बात पत्र की, तो आप यहाँ पर अ लेटर लिख लीजिए। अभी हम आपको टू थ्री पॉइंट को छोड़ रहे हैं, सिर्फ हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। जब हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ले चलेंगे तो फिर हम सेकेंड थर्ड पॉइंट कैसे क्या काम करेंगे उसके बारे में हम आपको समझाते चलेंगे। हम लोग उस काम को कर चुकेंगे, तो इसको भी डिवाइड कर लीजिए। एक नंबर में हम लोग, दो नंबर में कर चुकेंगे, किसको भाई, उस काम को। तो यहाँ पर करना क्या है बेटा कि आप लोग यहाँ पर हम लोग की अंग्रेजी पहले तो वी लिखो, फार्मूला में वी के साथ क्या डालना है, ये जो पॉइंट नंबर वन है यही मेरा फ्यूचर परफेक्ट है, ये वी के साथ क्या डालना है, शैल है वी थ्री। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, शैल, शैल के बाद हैव, उसके बाद यहाँ पर दो नंबर में चलेंगे, करना का अंग्रेजी डू होता है, लेकिन मेरा फार्मूला क्या कहता है कि शैल हैव के साथ करना क्या बेटा, ये वर्ब थ्री लगाना है, तो डू का भी थ्री आप क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर डन लिखेंगे। रही बात उस काम की, तो आप यहाँ पर दैट लिखो, दैट लिखने के बाद ये वर्क लिखेंगे। क्वेश्चन है वह कलम खरीद चुकेगा, इस क्वेश्चन को भी आप डिवाइड कर लो, एक नंबर में वह, दो नंबर में खरीद चुकेगा, क्या खरीद चुकेगा जी, कलम। तो करना यहाँ पर यह है बेटा, सबसे पहले वह की अंग्रेजी आप क्या लिखोगे, ही के साथ क्या डालेंगे आप यहाँ पर, ही के साथ भाई बोलिए, ही के साथ विल हैव। अब यहाँ पर हम विल लिखेंगे, विल लिखने के बाद
ये हैब खरीदना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, ये बाई, लेकिन मेरा फार्मूला ये कहता है कि ही के साथ जब बिल हैब लग जाएगा तो फिर तो यहाँ पर वी वन नहीं डालना है, वी थ्री डालना है। तो फिर आप यहाँ पर ये पता करो कि बाई का वी थ्री क्या होता है। तो बेटा बाई का वी थ्री बाउट बी ओ यू जी एच टी, और रही बात थर्ड नंबर में कलम की, तो आप यहाँ पर बेटा पेन को डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम आपको जितने भी क्वेश्चन, अभी हम आपको कुल मिलाकर के अभी हम आपको यहाँ पर तीन क्वेश्चन डाले हैं, ये तीनों बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन अभी इसके बाद जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर एक ही क्वेश्चन में फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडिफिनिट आ जाए तो वैसे क्वेश्चन को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके आने के पहले तुम जा चुके होगे। अब इस क्वेश्चन को हम डिवाइड कहाँ से करेंगे, थोड़ा सा आप गौर करते हैं, यानी कहाँ से बनाना शुरू करेंगे, ये सही हो जाएगा। तो बेटा ऐसी, या मान लीजिए कि एग्जाम में आपको बेटा यही क्वेश्चन अगर आ जाता हो और आपको वहाँ पर माइंड अगर नहीं काम करता हो, तो सबसे पहले बेटा एक काम करो कि तुम सबसे पहले के पहले को बंद करो, और बंद करने के बाद के पहले के इधर, यानी के पहले के इधर क्या है, तुम जा चुकोगे, यानी इस सेंटेंस को हम फर्स्ट मानेंगे। क्या मानेंगे भाई? फर्स्ट। उसके बाद क्या काम करेंगे, इसको हम सेकेंड मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बेटा हम थर्ड मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आप क्या सीखे, तो सिंपल सा आप मुझे जवाब दीजिए कि सर अगर मेरा प्रॉब्लम अगर नहीं बनेगा तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, के पहले को बंद करेंगे, बंद करने के बाद इधर वाले को हम फर्स्ट मानेंगे और ये के पहले को सेकंड मानेंगे, या उसके आने ये जो है इसको हम थर्ड मानेंगे। ओ अब आपका सवाल ही आ रहा है कि सर चलिए मैम डिवाइड कर ले, इसको फर्स्ट मानना है, सेकेंड करना, थर्ड करना, लेकिन सर ये बताने का मेन सेंस क्या है, हम आपको बताते चलते, थोड़ा सा गौर करेंगे आप यहाँ पर, यानी बताना ये हम ये चाहते हैं कि जैसे कि वन पॉइंट है आप उसको वन पर सिद्ध करने की कोशिश करें, और ये जो आपका सेकेंड है इसको सेकेंड पर सिद्ध करें, ये थर्ड नंबर है तो थर्ड को थर्ड पर सिद्ध करें। तो सबसे पहले हम एक नंबर को सबसे पहले सिद्ध करने की कोशिश करते, तुम जा चुकोगे, तो यानी वन नंबर में तुम जा चुकोगे, तो सबसे पहले बेटा आप ये काम करो कि पहले यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अच्छा तो ये वन यहाँ है, देख रहे हैं ना जी, ये वन है, यहाँ भी क्या है, ये वन है, गौर करो। अब जैसे कि हमको ये वन नंबर इसको हम सेकेंड थर्ड पर सिद्ध करेंगे तो गलत हो जाएगी, इसलिए आप वन को वन पर सिद्ध करो। अब यहाँ पर तुम क्या अंग्रेजी क्या है, यू, यानी ही सी इट नेम यू, मिल गया ना, हाँ यू दे, ये सब के साथ करना क्या है, विल हैव डालना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो, विल हैव लिखो, यू विल हैव, और वी थ्री भी तो डालना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, हम गौण लिखेंगे। फिर समझ लो, माइंड नहीं काम करे तो आप क्या काम करना, सबसे पहले के पहले को बंद करना, जैसे मैं आपको बता रहा आप वैसे काम करने की कोशिश करो, आपसे कभी गलत नहीं बनेगा। सबसे पहले के पहले को बंद करो, बंद करने के बाद इधर वाले को फर्स्ट मानना है, इसको सेकेंड मानना है, इसको थर्ड मानना है। तुम्हारा जो वन क्वेश्चन है, आई मीन तुम्हारा मतलब वन सेंटेंस बेटा, उसको क्या काम करो, तुम वन पर सिद्ध करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर तुम लिखा हुआ है तो तुम क्या अंग्रेजी यहाँ पढ़ो। अब आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, गलती क्या काम करेंगे, थर्ड नंबर में भी यू है, फर्स्ट नंबर फार्मूला में भी यू लिखा हुआ, लेकिन मैं हमको फर्स्ट नंबर से मतलब रखना है, तो फर्स्ट नंबर में यू के साथ क्या करना है, यही ना जी, फर्स्ट नंबर आइए, फर्स्ट नंबर में यू के साथ क्या डालना है, बिलहैप, तो यहाँ पर हम बिलहैप को डाल दिए। और रही बात यहाँ पर भार थ्री की, तो गो का भी थ्री क्या लिख दे बेटा गोन, तो ये मेरा वन नंबर जो है ये काम कंप्लीट हो गया। अब वन के बाद कहाँ चलेंगे, बोलिए ना, वन के बाद कहाँ चलेंगे जी, सेकेंड नंबर में चलेंगे ना, तो सेकेंड नंबर में क्या, के पहले, तो के पहले दो नंबर में है ना जी, है यहाँ भी सेकेंड, गौर करो यहाँ पर तुम, यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, सेकेंड में क्या डालना, बिफोर, अगर यहाँ पर के पहले नहीं होता तो यहाँ पर ये बिफोर नहीं होता। तो ये जो मेरा यू विल हैव गॉन, ये तुम जा चुके होगे, ये इसके लिए हो गया, और के पहले है बेटा, इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम ये बिफोर को डालेंगे, बिफोर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो नंबर का, दो के बाद कहाँ चलेंगे, नंबर थर्ड में, थर्ड में ये थर्ड नंबर क्या, उसके आने, तो ये थर्ड यहाँ पर है तो थर्ड को थर्ड पर सिद्ध करेंगे, तो उसके, उसके की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं भाई, ये सेकेंड नंबर हो गया आपका, और उसके की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ही लिखेंगे, यही नहीं है जी, हाँ आने, आने की अंग्रेजी क्या होता है भाई, आने की अंग्रेजी, आने की अंग्रेजी बेटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कम, सी ओ एम ई, सी ओ एम ई, लेकिन मेरा फार्मूला ये कहता है कि ही सी इट नेम, ये सिंगुलर नंबर के साथ करना क्या है, यहाँ पर ये क्या करना है बेटा, वी फाइव डालना है, और वी फाइव उसे हम कहते हैं जिसमें एस या एस लगा हो। तो हम यहाँ पर कम ना लिख करके हम क्या काम करेंगे, कम्स लिख देंगे, इस तरह से ही मेरा ये फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं।
आप यहाँ पर थोड़ा सा एक मेरे के स्टूडेंट का सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि सर एक बार सर्टिफाई कराया जाए उसके आने, ये तो सर प्रेजेंट के इंडेफिनिट है। सर हम आपसे एक सवाल डालना चाहते हैं कि वह जाता है ये कौन सा टेंस है, तो बेटा मैं जवाब दूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सर पहचान क्या है, तो वर्ग के अंत में ता है, तीह लगा हुआ है। तो ठीक है सर, एक बात ये बताया जाए उसके आने इस क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं भी ता है तीह नज़र नहीं आ रहा है, तो सर ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट कैसे हो गया? बेटा बहुत अच्छा सवाल है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे, शांति बना के रखेंगे। फॉर्मूला ये कहता है कि जब दो सेंटेंस के पहले से जुड़ा हो, जब दो सेंटेंस के पहले से जुड़ा हो, अगर के पहले के बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर का परफेक्ट हो, फ्यूचर तो समझ रहे ना, ये चुकेंगे के कारण पकड़ लेंगे, अगर के पहले के बाद वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर का परफेक्ट हो, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है इसमें ता है ती है रहे, चाहे ना रहे, इसमें कोई मतलब लेना देना नहीं, इसको हमको प्रेजेंट के इंडेफिनिट मानना है। मगर शर्त यह है यहाँ पर के पहले होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्यूचर का परफेक्ट। अगर यहाँ पर के पहले नहीं और लास्ट वाला ये क्या कहते हैं फर्स्ट वाला सेंटेंस, अगर ये फ्यूचर का परफेक्ट नहीं, तो मेरा थर्ड वाला जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करते हैं। मोहन के खेलने के पहले मैं पत्र लिख चुकूंगा, हम एक क्वेश्चन तो आपको बता चुके हैं, बोलिए आप इसमें क्या काम करेंगे आप लोग। अब तो बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए आप लोग के साथ में, यानी क्या किया जाए बेटा, बोलिए कस के बोलिए, बेटी आप भी वहां से बोलिए, यानी आपका क्या नाम है कि सर इसमें वही हम लोग को काम करना है कि जब नहीं बनेगा तो सबसे पहले हम के पहले को बंद करेंगे, इधर वाले सेंटेंस को हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड मानेंगे, और इसको क्या काम करेंगे हम थर्ड मानेंगे। बहुत अच्छा जवाब रहा आपका भाई। अब यहाँ पर एक नंबर है तो एक नंबर वाले को एक पर सिद्ध कर देना है, तो एक नंबर में सबसे पहले क्या मैं पत्र लिख चुकूंगा, तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखना है बेटा यहाँ पर, ये आई, चलिए मैं की अंग्रेजी आई डाल दी, आई के साथ क्या करेंगे आप, शैल है वी थ्री, यहाँ पर हम शैल हैव और ये वी थ्री डालने की बात हो रही है, तो बेटा यहाँ पर राइट लिख करके आप इसको रिटन में चेंज करेंगे ताकि ये वी वन से वर्ड थ्री बन जाए। उसके बाद ये रही बात पत्र की, तो आप यहाँ पर अ लेटर लिख लीजिए, अब ये आपका वन पॉइंट कंप्लीट, मैं पत्र लिख चुकूँगा, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक एक नंबर बेटा कंप्लीट हो गया। सेकंड में चलेंगे, तो सेकंड में क्या करना है जी, बोलिए सेकंड में बिफोर, आप यहाँ पर एक काम करो कि बी ई एफ ओ आर ई बिफोर, ये सेकंड नंबर कंप्लीट। थर्ड में क्या है, मोहन के खेलने, ये थर्ड वाला किस पर सिद्ध करेंगे, थर्ड वाला थर्ड पर सिद्ध करेंगे ही ना, मैं थर्ड नंबर यानी थ्री नंबर वाले पर सिद्ध करना है, थोड़ा सा यहाँ पर जगह की स्कार सिटी हम नीचे डाल देते, पता चल रहा है ना कि ऊपर करना होगा, मिटा करके बोलिए, चलिए हम डाल देते इसी जगह, आपको पता चल जाना चाहिए। अब यहाँ पर मोहन का मोहन लिखेंगे, मोहन क्या बेटा ये नेम, मोहन क्या ये नेम, समझ रहे हैं ना। अब आप एक बात गौर करेंगे कि नेम फर्स्ट वाले में भी है, नेम थर्ड वाले फार्मूला में भी है, लेकिन थर्ड वाले से बेटा हमको मतलब रखना है, ऊपर वाले नेम से हमको इस नेम से कोई मतलब नहीं रखना, मुझे ये वाले नेम से मतलब रखना है। नेम के साथ क्या करना है, वी फाइव लगाना है। अब यहाँ पर रही बात खेलने की, तो यहाँ पर हम प्लेज भी लिखते हैं, प्ले भी लिखते हैं, थोड़ा सा आप गौर करेंगे कि नेम के साथ वी फाइव लगाना है, यानी वी फाइव यानी वर्ब का पांचवा रूप आप प्लेस को बोलेंगे या प्ले को बोलेंगे। तो बहुत अच्छा आपका जवाब रहा है कि सर जिसमें एस या यस लग जाए वही वर्ब क्या होता है, वर्ब का पांचवा रूप होता है। चलिए यहाँ पर हम मोहन प्लेस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये थर्ड नंबर, अगर प्रॉब्लम अगर होता तो फिर सब सवाल करेंगे या फिर समझाना पड़ेगा, फिर से एक बार हम आपको समझा देते, थोड़ा सा गौर कर ले। मैं पत्र लिख चुकूंगा, मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई, आई के साथ क्या करना है, फर्स्ट नंबर में आई के साथ सेल एफ डालना है, तो मैं यहाँ पर सेल एफ डाल दिया। भी थ्री डालना है तो लिखना की अंग्रेजी राइट, राइट का भी थ्री रिटर्न हो गया, पत्र की अंग्रेजी लेटर हो गया, ये एक नंबर कंप्लीट, मैं पत्र लिख चुकूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट, ये वन नंबर, और ये दो नंबर में के पहले है तो यहाँ पर हम बिफोर को डाल दिए, और मोहन के खेलने हैं तो मोहन की अंग्रेजी मोहन लिखेंगे यहाँ पर, और थर्ड नंबर वाले में यानी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बेटा नेम के साथ करना क्या है, वर्ब का पांचवा रूप डालना है, तो यहाँ पर हम प्ले ना लिख करके हम प्लेस लिख दिए ताकि ये वर्ब फाइव बन जाए। आपकी अगली क्वेश्चन है, उसके पानी लाने के पहले मैं खा चुकूंगा, आप इसको भी एक काम करो कि डिवाइड पहले कर लो। मैं आपको कितनी मरतबा बता चुका हूँ, मान लीजिए कि एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई बताने वाला अगर नहीं रहे, तो आप वहाँ पर एक काम करेंगे कि सबसे पहले के पहले को आप डिवाइड करेंगे, बंद करेंगे,
और बंद करने के बाद इधर ये जो सेंटेंस है आप इसको बेटा फर्स्ट मानना, इसको सेकेंड मानना, आप यहाँ पर क्या काम करेंगे इसको ये थर्ड मानना। मेरा फर्स्ट सेंटेंस मैं से शुरू हुआ चुकूंगा मैं जा कर के ख़त्म, सेकेंड तो के पहले है ही, लेकिन मेरा जो थर्ड सेंटेंस है उसके से शुरू हुआ लाने में जा कर के ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आपको बतला देते हैं कि वन को आप वन पर सिद्ध करो, जैसे कि फर्स्ट में क्या मैं खा चुकूंगा, तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे कि मैं के अंग्रेजी आई लिखेंगे फार्मूला में, एक नंबर है ना यहाँ, एक नंबर यहाँ भी है, एक नंबर यहाँ भी है, तो आई के साथ करना क्या है कि शैल हैव डालना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो भाई, शैल हैव डालिए, उसके बाद भर थ्री लगाना है, तो खाना के अंग्रेजी ईट, ईट का वी थ्री क्या लिखेंगे, ईट एन, आपका ये वन नंबर कंप्लीट। मैं खा चुकूँगा, अगर मैं खा चुकूँगा नहीं होता तो यहाँ पर आई शैल हैव ईटन नहीं होता। दो नंबर में के पहले है तो आप बेटा यहाँ पर बिफोर को डाल लो, उसके बाद दो नंबर ख़त्म, दो के बाद कहाँ चलेंगे, तीन में उसके पानी लाने। तो करना यहाँ पर ये है कि उसके के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, चलो भाई तो सेकेंड नंबर का हो गया, उसके के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या करना, ही हो, सी हो, ईट हो, नेम हो, थर्ड वाले में ये थर्ड है ना जी, यानी मेरा थर्ड उसके से लेकर के लाने तक है, तो उसके के अंग्रेजी ही, यहाँ पर ही चाहे सी भी लिख सकते हैं आप, ही के साथ करना क्या है वी फाइव। तो लाना का अंग्रेजी क्या होता है, ब्रिंग होता है, लेकिन जब तक हम ब्रिंग में नहीं डालते तब तक ये वी वन है, जैसे यहाँ पर हम वी फाइव डालेंगे, देख रहे हैं ना आप, ये पूछ रहे हैं कि सर एस कहाँ से आ गया, तो बेटा ही के साथ क्या करना है, वी फाइव लगाना है, और वी फाइव कब लगाना है, जब एस या एस, तो यहाँ पर ब्रिंग्स लिखेंगे, और पानी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर भाई, वाटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं, तुम्हारे जाने के पहले वह कलम खरीद चुकेगा, आप इसको भी डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद इधर वाले को हम क्या मानेंगे, हम फर्स्ट मानेंगे, फिर इसको आप सेकेंड मान लो, इसको यहाँ तक तुम्हारे जाने यहाँ तक इसको थर्ड मान लो, वह कलम खरीद चुकेगा। तो करना यहाँ पर यह है कि वह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, ही फार्मूला में, ओ सॉरी, यानी एक नंबर को एक नंबर पर सिद्ध करना है, तो ही सीट नेम, यू दे, सिंगुलर नंबर, पुलर नंबर के साथ विल हैव डालना है, तो आप यहाँ पर ये विल हैव डालेंगे, और खरीदना है तो खरीदना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बाई, बी यू वाई, लेकिन बेटा यहाँ पर बाई लिखना सरासर गलत हो जाएगा, मेरा फार्मूला ये कहता है कि विल हैव के साथ वी थ्री डालना है, तो फिर आप ये पता करो कि बाई का वी थ्री क्या होता है, तो बाई का वी थ्री बेटा आप क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, बी ओ यू जी एस टी, बाउट, रही बात कलम की, तो आप यहाँ पर ओपेन लिखेंगे, एक नंबर ख़त्म। अब दो में चलेंगे, के पहले, तो के पहले है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, बिफोर लिखना, तुम्हारे जाने, हाँ थोड़ी देर के लिए, कभी कभी मेरे विद्यार्थी जी क्या करते हैं कि कोई लड़का तुम्हारे की अंग्रेजी योर लिखा करता है, कोई यू लिखा करता है, ऐसा होता भी है, अगर तुम्हारी जो वर्ड तुम्हारे, अगर ये रिलेशन बताने का काम करे, रिश्ता बताने का काम करे, तो फिर आप ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे की अंग्रेजी योर लिखो, रिश्ता ना बताने का काम करे, तो फिर आप यहाँ पर क्या काम करो भाई, यू लिखा करो, जैसे कि तुम्हारे भाई, यहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा है, योर ब्रदर, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर कोई रिलेशन बताने काम कर रहा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर योर ना लिख करके आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, और ये तो थर्ड पर सिद्ध करना है, तो थर्ड में यू के साथ क्या करना है भाई, ये बी वन डालना है, तो यहाँ पर गोज ना लिख करके आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये गो लिखेंगे। सूरज निकलने के पहले हम लोग स्टेशन पहुँच चुकेंगे, तो इसमें भी करना क्या है कि बेटा सबसे पहले आप इसको बंद कर लेना, और इधर वाले को करना क्या है बेटा, ये फर्स्ट मान लेना, इसको सेकेंड मानना, इसको थर्ड मान लेना, फर्स्ट वाले को फर्स्ट पर सिद्ध कर दो। हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, यानी इसमें एक विद्यार्थी जी का सवाल ही आ रहा है कि सर हम जान रहे हैं कि एक नंबर में हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, ये बनेगा, दो में ये बनेगा, थर्ड में ये बनेगा, लेकिन सर हमको ऐसा भी लग रहा है कि हमसे वन पॉइंट जो वो गलत बन जाएगा, हम समझिए आपकी बातों की मतलब क्या गलत होने वाला आपके साथ, आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग पहले बनेगा कि पहले स्टेशन बनेगा कि पहले पहुंचना बनेगा, तो इसको ऊपर से भी डिवाइड कर देते हैं, एक नंबर में हम लोग, दो नंबर में पहुंच चुके होंगे, कहाँ पहुँचेंगे, ये स्टेशन अब तो बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि हम लोग अंग्रेजी बेटा वी लिखेंगे,
और वी के साथ करना क्या है, पॉइंट नंबर वन में वी के साथ आई हो चाहे बी हो, वी के साथ शैल है वी थ्री, तो आप यहाँ पर शैल है और वी थ्री की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहुँचना के अंग्रेजी रिच आर ई एस सी एच, और इसके अंत में आप ई डी अगर डाल देंगे तो ये वर्ड थ्री बन जाएगा। रही बात स्टेशन की, दी एस टी ए टी आई ओ एन स्टेशन, सॉरी वी शैल हैव रीच द स्टेशन, एक नंबर कंप्लीट हो गया। दो नंबर में चलेंगे के पहले, तो आप यहाँ पर एक काम करो कि बिफोर को लिख लो, ये दो नंबर खत्म। रही बात यहाँ पर सूरज की, तो सूरज की अंग्रेजी सूरज कहिए या सूरज कहिए, दी शन लिखेंगे, इसको थर्ड नंबर पर सीध करना। यानी आपका सवाल ये है कि सर क्वेश्चन में मई आएगा तो आई आ जाएगा, हम लोग रहेगा तो वी खोज लेंगे, वह रहेगा तो ही खोज लेंगे, वे लोग रहेगा तो सर दे खोज लेंगे, लेकिन सर फार्मूला में थर्ड वाले में दी संतु कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बहुत चलाक आदमी है भाई आप, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। तो इतना तो पता कर सकते हैं ना कि सूरज क्या है, सिंगुलर या प्लुरल है, आकाश में कितने सूरज निकलते हैं, ओनली वन, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या करना है, वी फाइव लगाना है। तो सर यहाँ पर एक वचन है, तो यहाँ पर निकलना कह ले चाहे आप उगना कह ले, तो राइज लिखेंगे और राइज के अंत में एस डाल देंगे, ये फिर भी फाइव हो जाएगा। राइज ना लिख करके राइज लिखेंगे, दिशन राइज, तो जिसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम आपको बतला देते हैं, नीचे बतला देते हैं और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बतलाते हैं, इसके हेल्प से जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, वह जा चुकेगा, हम इसी क्वेश्चन को डाल देते हैं, आप इसके आधार पर लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। He will have gone. He will not have gone. Third question. Will he have gone? और ये बेटा क्वेश्चन मार्क डालना तो भूलेंगे नहीं आप यहाँ पर। Will he not have gone? आप यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क डालो। और ये why will he have gone? वह जा चुकेगा, he will have gone, वह नहीं जा चुकेगा, he will not have gone, क्या वह जा चुकेगा, will he have gone, क्या वह नहीं जा चुकेगा, will he not have gone, वह क्यों जा चुकेगा, why will he have gone। और आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर मैं आपसे एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर मिले तो जिस तरह से हम क्वेश्चन को डिवाइड करके बतलाते हैं, आप उस तरह से अगर आप डिवाइड करके बनाएंगे तो आपके लिए हर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन या लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन या जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना बेटा, वो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लव्स और थैंक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट अगर होता हो तो मैं आपकी कंप्लेन को सुनने के लिए तैयार है। आज के लिए इतना ही।